हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं भी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स का धीरे धीरे अनवांटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होना कोरोजन कहलाता है। यहाँ पर एयर और मॉइस्चर जो होते हैं ये कंडीशंस होना नेसेसरी होता है। सो द प्रोसेस इन विच अ मेटल ग्रेजुअली चेंज इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड, जो मेटल होती है वो जब अनडिजायरेबल कंपाउंड में धीरे धीरे चेंज होता है उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। और इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो मॉइस्चर और एयर वहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी होता है, तभी कोरोजन की प्रोसेस होती है। हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि जो कोरोजन होता है वो कई जगह हमको देखने को मिलता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो होता है कोरोजन का वो होता है आयरन के अंदर रस्टिंग, लोहे के अंदर जंग लगना। तो लोहे के अंदर जंग लगने की प्रोसेस जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के द्वारा समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो जो आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के समान बिहेव करती हैं, विद्युत रासायनिक सेल के समान बिहेव करती हैं। और ऐसे सेल को कोरोजन सेल कहते हैं। और कोरोजन सेल के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कैथोड के समान और जो प्योर आयरन होता है वो एनोड के समान बिहेव करता है। जब केमिकल रिएक्शन इनके बीच में होती है तो जो आयरन होता है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है यही रस्ट होता है, जो भूरे रंग का ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम लेयर के रूप में लोहे से अलग कर सकते हैं और हमारे डेली लाइफ में हम इसको देखते भी हैं। सो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो रस्टिंग की होती है उसमें किस तरह से जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है। हम देखते हैं कि जो प्योर आयरन होता है वो एनोड के समान रिएक्ट करता है। तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है, एनोड पर आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को खोकर, इलेक्ट्रॉन छोड़कर Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। Fe2+ आयन में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड की ओर मूवमेंट करने लगते हैं। तो कैथोड पर जो होने वाली रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, O2 जो एटमोसफेयर में होती है, ऑक्सीजन, 4H+ आयन, जो H+ आयन कहाँ से आते हैं, जो जल होता है H2O होता है, H2O जब डिसोसिएट होता है, अपघटित होता है तो H+ और OH- फॉर्म करता है। इसके साथ ही जो CO2 जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है तो कार्बोलिक एसिड वहाँ पे बनता है, तो उस कार्बोलिक एसिड से भी यहाँ पे H+ आयन हमको प्राप्त होते हैं। तो ऑक्सीजन, H+ और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं ये आपस में रिएक्ट करके H2O फॉर्म करते हैं। ओवरऑल अगर रिएक्शन देखें तो Fe O2 से रिएक्ट करेगा, H+ आयन से मिलेगा और Fe2+ यहाँ पे बन जाएंगे। ये जो Fe2+ आयन होते हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट करते हैं। इन दोनों से रिएक्ट करने के बाद में ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और यहाँ पर 8H+ आयन जो है बनते हैं। ये H+ आयन जो होते हैं फिर से सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कोरोजन की जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है। अब ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ये आयरन ऑक्साइड फिर से वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है इसी को हम रस्ट कहते हैं।